जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने इस YouTube चैनल रेलवे न्यूज़ नेटवर्क में, जहां आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मध्य प्रदेश को मिलने वाली पहली और देश की 11वीं वंदे भारत की अपडेट, जिसका मध्य प्रदेश के लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश साल के शुरुआत से ही सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत को लेकर मोस्ट वेटेड है। ऐसा इसलिए क्योंकि असेंबली इलेक्शन भी आने वाले हैं और सांसदों के अलावा राज्य सरकार भी चाहेगी कि जल्द से जल्द बाकी राज्यों की तरह मध्य प्रदेश की जनता को भी वंदे भारत की सौगात मिले। और इसी बीच अब खबरें हैं कि मध्य प्रदेश को मार्च एंड या अप्रैल के शुरुआती दिनों में वंदे भारत मिल जाएगी। तो आइए इस ट्रेन से जुड़ी और भी कुछ नई अपडेट के साथ इसकी अदर इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं, तो वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वैसे तो जनवरी में मध्य प्रदेश से दो वंदे भारत ट्रेनें चलाई जानी थी और इसके लिए इंदौर रेल प्रशासन के साथ जबलपुर रेल प्रशासन और जयपुर रेल प्रशासन ने टाइम टेबल, किराया, ट्रैक मैनेजमेंट समेत बाकी तैयारियाँ टाइम से पहले ही कर ली थी। लेकिन अंदर ही अंदर ऐसा खेल हुआ कि फरवरी में मध्य प्रदेश से शुरू होने वाली 9वीं और 10वीं वंदे भारत के रैक महाराष्ट्र को दे दिए गए, जिसका अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने CSMT मुंबई से शिरडी और सोलापुर के लिए उद्घाटन किया है। लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि अप्रैल में मध्य प्रदेश की पहली वंदे भारत, जो कि इंदौर से जबलपुर के बीच शुरू की जानी है। हालांकि इस ट्रेन की फाइनल तारीख अभी अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन मेरा मानना है कि 14 अप्रैल को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है और अप्रैल से ही मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव का प्रचार जोर पकड़ने लगेगा। तो यकीनन प्रधानमंत्री मोदी इंदौर दौरे पर आ सकते हैं, जहां से वे 11वीं इंदौर जबलपुर वंदे भारत एक्सप्रेस का फ्लैग ऑफ कर सकते हैं। अगर इस वंदे भारत के स्टॉपेज की बात करें तो पहले ये उज्जैन, भोपाल, इटारसी में होल्ट लेने वाली थी, लेकिन अब इसे रानी कमलापति स्टेशन पर भी स्टॉपेज दिया जाएगा। और मैं ये बात अपने अंदाजे से कह रहा हूँ कि भोपाल से इसका स्टॉपेज रिवोक कर दिया जाएगा। दोस्तों, इसके पीछे वजह है भोपाल और रानी कमलापति स्टेशन के बीच कम डिस्टेंस। भोपाल में पहले से ही ट्रेनों का ट्रैफिक है, जिससे वंदे भारत को प्लेटफॉर्म मिलने में लेट लतीफ़ी होगी। अगर भोपाल स्टॉपेज बंद हो जाएगा तो इसको संत हिरदाराम नगर से डायरेक्टली पासिंग देकर वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन रानी कमलापति पर रोका जाएगा, जिससे वंदे भारत के यात्रियों को हाई लेवल फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा सके। हालांकि मध्य प्रदेश से वंदे भारत ट्रेन के लॉन्चिंग में देरी देखने को भले ही मिल रही है, लेकिन आप मानकर चलिए इसकी संभावना पूरी है कि अप्रैल तक वंदे भारत दौड़ने लगेगी। इसके मेंटेनेंस डिपो का काम भी संत हिरदाराम नगर रेलवे स्टेशन के पास 100 करोड़ खर्च करके किया जा रहा है। वैसे सही बात है भाइयों, सुनने में कितना अजीब लगता है कि देश का दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश, जहां से देश के हर कोने के लिए दिन रात ट्रेनें चलती हैं और इतना बड़ा 100% इलेक्ट्रिफाइड रेल रूट उपलब्ध होने के बावजूद भी इसके पास एक भी वंदे भारत नहीं है। इंदौर जबलपुर वंदे भारत एक्सप्रेस का टेंटेटिव शेड्यूल आपके साथ हम पहले ही शेयर कर चुके हैं। वहीं इससे जुड़ी जो भी इन्फॉर्मेशन आती है हम आपके लिए नया वीडियो लेकर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।